हेलो, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। वंस मोर यू आर मोस्ट वेलकम इन डिवोटेड क्लासेस। एंड टुडे आई एम प्रेजेंट विद अनदर वीडियो, दैट इज जॉन गॉल्डवर्दीज बायोग्राफी। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, John Galsworthy, you know, is one of the writers of TGT, UPTGT, and some other TGT exams of English literature. आज हम बताने जा रहे हैं आपको John Galsworthy के बारे में, इनकी बायोग्राफी यानी जीवनी। पता होना चाहिए John Galsworthy साहब UPTGT और एस्टेट और अन्य कई जो TGT के एग्जाम्स हैं उसमें प्रेस्क्राइब्ड हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप अच्छे से समझें, बायोग्राफी ऑफ John Galsworthy। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। यदि आप अपनी सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना चाहते हो TGT एग्जाम में इंग्लिश के, सबसे पहले बात करते हैं John Galsworthy साहब। तो ये राइटर रहे हैं आपके मॉडर्न एज राइटर। क्या रहे हैं? ही वाज प्ले राइट, RWRIGHT, PLAY WRIGHT। क्लियर कर लीजिएगा स्पेलिंग, राइट की WRIGHT है, एग्जाम में पूछा गया है TGT के। प्ले राइट रहे हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं और आपके पोएट भी हैं, पोएट नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट रहे। साथ ही साथ आप नोबल प्राइज विनर भी हैं, नोबल प्राइज विनर, इन्हें ओम भी कहा जाता है, ओम, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट की खिताब को जीता है, टाइटल को जीता है, इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी, इसका भी अवार्ड मिला है। ठीक, विशेषकर ये जो समाज में क्या कहते हैं बुराइयां हैं, इविल्स हैं, सोशल रिफॉर्मर के रूप में इनकी रचनाएं रही हैं और इन्होंने समाज को सुधार करने का बहुत अच्छा कार्य किया है अपने राइटिंग के द्वारा। ओके, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बात इनके जो है लिटरेचर में प्लेस की, और यही बात ही नहीं, आप जो है 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। राइटर रहे मॉडर्न एज के, 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, प्ले राइट, नॉवलिस्ट और पोएट के रूप में जाने जाते हैं और आपके नोबल प्राइज विनर रहे हैं, ओम की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था, 20th सेंचुरी के राइटर रहे हैं। और एक बात और, इन्हें नाइटहुड मिली थी, NIGHT नाइटहुड भी इनको मिली थी, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिए थे इसे, रिजेक्टेड। नाइटहुड मिली थी लेकिन इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये मेन पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम डेट वाइज, इन अदर वर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनकी हम बायोग्राफी देखेंगे, बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके बर्थ की। तो बर्थ का जो ईयर है
1867 14 अगस्त, ध्यान दीजिएगा हमारी आज़ादी कब में थी इंडिया की, 15 अगस्त को एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1867 में इनका जन्म हुआ था। प्लेस कहाँ है यानी बर्थ प्लेस, इनका बर्थ प्लेस है सरे इंग्लैंड, ओके किंगस्टन, सॉरी किंगस्टन, KINGSTON, किंगस्टन अपॉन थेम्स, ये नदी है थेम्स नदी है जो कि इंग्लैंड की जो गंगा कही जाती वहां पर इनका जन्म हुआ था किंगस्टन अपॉन थेम्स में। काउंटी का नाम सरे, SERY, सरे, ओके किंगस्टन अपॉन थेम्स सरे इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ये प्लेस हुआ बर्थ प्लेस। इसके बाद बात करते हैं इनके पिता यानी पेरेंटेज, फादर एंड मदर, फादर इनके जॉन गॉल्सवर्थी हैं, जॉन गॉल्सवर्थी हैं, ध्यान दीजिएगा आपने बताया था अभी पिछली वीडियो में सारे TGT के राइटर, विशेषकर जो UP TGT है उनके राइटर्स जो फादर के नेम है, फादर्स नेम, सबका पहला नेम जॉन है, तो जॉन गॉल्सवर्थी कह सकते हैं सीनियर, यस आर मीन्स सीनियर, ओके जॉन गॉल्सवर्थी सीनियर इनके पिताजी हैं। मदर, मदर क्या है, ब्लैंच बेली, ब्लैंच बेली, फादर हो गए, मदर हुए ब्लैंच बेली, हाँ इनके पिताजी रहे हैं सॉलिसिटर, फादर क्या थे इनके ऑक्यूपेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, फादर का ऑक्यूपेशन क्या था, सॉलिसिटर यानी कि लॉयर, ठीक। दूसरी बात, ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, इसका मतलब वो एक धनी परिवार में जन्म लिए थे, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, ओके मीनिंग ही वॉज बॉर्न इन ए रिच एंड प्रॉस्परस फैमिली, बहुत ही अच्छे परिवार में और कह सकते हैं एक सम्मानित परिवार में और समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था, क्लियर, ओके तो नोट करिए जल्दी से इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ इनका जो सुडानिम PSEUDONYM, सुडानिम मीन्स उपनेम, छद्म नेम भी कह सकते हैं, नकली नेम, इनका सुडानिम क्या है, जॉन सिन जॉन, जॉन सिन जॉन इनकी जो है सुडानिम है, ध्यान दीजिएगा परीक्षा में पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द सुडानिम ऑफ जॉन गॉल्सवर्थी, जॉन सिन जॉन, इसका अर्थ है जॉन सिन जॉन, सन ऑफ जॉन, जॉन सन ऑफ जॉन, इसका व्याख्या जब करेंगे तो हो जाएगा जॉन सन ऑफ जॉन, जॉन सन ऑफ जॉन, क्लियर, ये सुडानिम इनका है। अब आगे चलते हैं, हम मैरिज की बात कर लेते हैं, मैरिज, मैरिज, मैरिज इनकी हुई है एक बहुत ही अच्छी महिला रही हैं जिनका नाम एडा नेमिसिस पियर्सन
कूपर। इनकी बीबी का नाम एडा लेनिसन पियर्सन कूपर रहा है। हाँ, इनके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ये कौन थी? इनके कजिन की वाइफ थी, वाइफ ऑफ हिज कजिन। ओके, वाइफ ऑफ हिज कजिन। कजिन कौन था? आर्थर गाल्वर्डी। आर्थर गाल्वर्डी इनकी कजिन थी, इनकी पत्नी थी कौन? एडा मिसेस पियर्सन कूपर। ओके, इनसे इनकी मैरिज हुई थी। कब हुई थी मैरिज? इनका अफेयर चला था 10 इयर्स, लव अफेयर, लव अफेयर चला था। कब से कब शुरुआत हुआ था? 1895 और अंत हुआ था 1905। 1895 में फिर शुरू हुआ, 1905 तक चला है, यानी 10 इयर्स इतना अफेयर चला। इसके बाद डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स DIVORCE डाइवोर्स हुआ और मैरिज हो गई। मैरिज कब? 1905। किसे? एडा लेनिसन पियर्सन कूपर से। ओके, अच्छा, ये तो मैरिज की बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जस्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, कीप ऑन राइटिंग। मैरिज की बात हो गई, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम इनके एजुकेशन की। एजुकेशन की बात जब करेंगे तो पहली जो इनकी एजुकेशन के लिए कम से कम हैरो एंड न्यू कॉलेज, हैरो एंड न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब हैरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की एजुकेशन हुई थी। 1889 में क्या हुआ था? गॉट सेकेंड एट लॉ, मतलब इन लॉ कर सकते हैं, सेकेंड टू लॉ या इन लॉ, सेकेंड टू लॉ, मतलब किसमें लॉ की डिग्री इनको मिली? कब? 1889 में। और उसके बाद कॉल टू बार, कॉल टू बार कब? 1890 में कॉल टू बार इन 1890। हाँ, 1889 में जब सेकेंड एट लॉ बने हैं, यानी डिग्री इनको मिली है, तो इनके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया गया, बट ही नेवर प्रैक्टिस्ड। डिग्री कौन सी मिली थी इनको? डिग्री थी जूरिसप्रूडेंसिया की, JURISPRU, इसके लिए प्लेस चाहिए, यहाँ लिख देते हैं JURIS जूरिसप्रूडेंसिया, PRUDENTIA। डिग्री क्या मिली थी 1889 में? जूरिसप्रूडेंसिया की, कॉल्ड एट बार 1890 में, बट नेवर प्रैक्टिस्ड, बट नेवर प्रैक्टिस्ड, CTI, नेवर प्रैक्टिस, कभी प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की। हालांकि डिग्री इनके पास थी, ही हैड द डिग्री ऑफ लॉयर, बट नेवर प्रैक्टिस्ड। ओके, ये बात हुई किसकी? जॉन गाल्वर्डी साहब के एजुकेशन की। इसके अलावा इनको और भी
कम से कम 6 यूनिवर्सिटीज से ऑनरी डिग्री मिली थी, पीएचडी डिलीट है ना, समझा ना, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से और डब्लिन से, कहाँ कहाँ की, कम से कम आगे हम बताएंगे डिटेल में जब हम इनका वर्क की चर्चा करेंगे और डिटेल करेंगे तब, कई जगह से इनको ऑनरी डिग्री मिली थी पीएचडी की। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ये था किसकी बात, इनकी बात थी एजुकेशन की। अब इसके बाद ये डिग्री जब नहीं ली तो किए क्या, 1890 में डिग्री मिली, उसके बाद 1891 से 1893 ये जो ईयर रहा है ट्रेवल ट्रेवल्ड अब्रॉड, देश विदेश में यात्रा करी थी, ठीक है, ट्रेवल अब्रॉड कम से कम 1891 से 1893। और इसी बीच इनकी फ्रेंडशिप हुई किससे, 1893 में लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप और बेस्ट फ्रेंडशिप कह सकते हैं विथ जोसेफ कोनराड से इनकी दोस्ती हुई जो कि इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुई, समझ गए होंगे, कब 1893 में दोस्ती हुई जोसेफ कोनराड से, क्लियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास बैरिस्टर की भी डिग्री थी, ही वाज ए बैरिस्टर ऑल्सो, बैरिस्टर आप बैरिस्टर भी थे, लेकिन इसका इन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, आपको पता है मैंने पहले ही बताया है। इसके बाद की कहानी देखिए, ह्यूमनिटेरियन रहे हैं, यानी मानवतावादी दृष्टिकोण के थे, बाबा साहब भी अम्बेडकर का ही जो सपना था उनका भी यही था, जात पात पूछे नहीं कोई, मानव मानव एक समान का सिद्धांत इनका भी रहा है। अब आगे देखिए 1821 में क्या है, 1821 में became member of 10 international NITIUN AL club, इसके मेंबर रहे हैं 1921 में, ये पेन बिकेम मेंबर ऑफ पेन इंटरनेशनल। अब पेन इंटरनेशनल क्या है भाई, यहां पी फॉर प्लेराइट और पी फॉर पोएट भी होता है, पोएट एंड प्लेराइट, ई फॉर एसिस्ट और एन फॉर नॉवलिस्ट, ये ग्रुप था राइटर का, विशेषकर जो गरीब होते थे, जो इकोनॉमिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं होती थी, उनकी सहायता के लिए ये क्लब था, इसके मेंबर भी ये फाउंडिंग मेंबर कह सकते हैं, कब 1921 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट बी नोटेड। इसके बाद 1929 में आप ओम कहलाए, ओयम यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट बने। और इसके बाद 1917 में क्या हुआ था, इन 1917
given and offered knighthood. Knighthood. लेकिन इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. 1918 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इन्होंने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड. जो लिटरेचर होता है उसका खुद का खुद रिवार्ड हुआ करता है. इसको कहे कि इन्होंने मना कर दिया यानी इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया. ही रिजेक्टेड इट. लेकिन इनको मिला था नाइट रूट की टाइटल कब 1917 में. ठीक है इतनी बात क्यों हुई 1929 के बाद 1917. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आई इनके लाइफ की वो क्या है आगे देखेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ इट वाज द विनिंग ऑफ नोबेल प्राइज. इनको नोबेल प्राइज मिला था कब 1932 में. नोबेल प्राइज मिला इनको कब 1932 में. ध्यान दीजिएगा परीक्षा में पूछा जाता है व्हेन वाज जॉन गालवर्ट अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1932. ओके इसके बाद ध्यान दीजिएगा यही वाज सो नाइस मैन मीनिंग ही हैड द ह्यूमैनिटेरियन व्यू ऑफ लाइफ. सो व्हाट ही डिड व्हेन ही गॉट द नोबेल प्राइज 1932 ही जस्ट डोनेटेड ऑल द मनी दैट ही गॉट एज व्हेन ही वन द नोबेल प्राइज इन 1932 ही डोनेटेड ऑल द मनी टू पैन इंटरनेशनल. तो क्या होगा डोनेटेड द होल अमाउंट ऑफ नोबेल प्राइज टू द पैन इंटरनेशनल. पैन इंटरनेशनल जो पैन क्लब था पूरी प्राइस जो मनी मिली थी इनको नोबेल प्राइज में 1932 में कुछ सब इनको किसको दे दिया पैन इंटरनेशनल क्लब को दे दिया. ध्यान दीजिएगा पैन इंटरनेशनल क्लब जो है इसका प्रीवियस नेम यानी इसके पहले इसका नाम इंटरनेशनल पैन था. इंटरनेशनल पैन था बाद में हो गया पैन इंटरनेशनल. जिस समय उन्होंने इसको ज्वाइन किया उस समय इसका नाम पैन इंटरनेशनल था. ठीक है ये ध्यान देने योग्य बात है. और देखिए ही वॉज अगेंस्ट द इनह्यूमन स्लॉटर ऑफ द एनिमल्स. अगेंस्ट द इनह्यूमन स्लॉटर ऑफ एनिमल्स. ठीक इसके बाद एक कहानी और आती है. ए आर्मी में जाना चाहते थे. ही वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी बट एट दैट टाइम ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट डू दिस टास्क. वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी बट ही वॉज टू ओल्ड टू डू इट और टू ज्वाइन तो ये कर नहीं पाए. क्या किया इन्होंने जब इन्हों आर्मी में नहीं जा पाए यानी ब्रिटिश आर्मी में तो इन्होंने उसके प्लेस पर 1914 उस समय जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें इन्होंने सेवा करी. ओके रादर ही सर्व्ड इन रिसर्व फॉर द वाउंडेड
WOUND, soldiers in first world war 1914। ठीक है, तीसरा से काम उन्होंने किया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इनके मास्टरपीस की, मिटा देते हैं। ओके, नोट डाउन, मास्टरपीस क्या आएगा तो मैग्नम ऑपस भी कहा जाता है, मैग्नम ऑपस यानी मास्टरपीस, MAGNUM OPUS, मैग्नम ऑपस क्या है इनका, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में मास्टर पीस, क्या है इनका, इनका मास्टर पीस वर्क है फोर साइट, FORSYTSAGA, 1922 में आया था फोर साइट सागा, इनका जो है मास्टर पीस वर्क है। और भी डिटेल है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, तो इसको हम अगली वीडियो बनाएंगे, द कंप्लीट वर्क ऑफ जॉन वर्ल्डवर्दी, उसमें हम डिटेल करेंगे किस समय उन्होंने क्या लिया, क्या लिखा था। ठीक है, क्लियर, ये सब इनका बात हमने बताई। और डेथ की बात हम करते हैं, डेथ का कारण इसका ब्रेन ट्यूमर था, BRAIN, ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर, बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर ही डाइड, ही डाइड इन 1867 में इनका जो है बर्थ हुआ था, 1933 में इनकी डेथ हुई थी, कहां पर, हैम स्टेड, हैमस्टेड इंग्लैंड। इनकी डेथ हुई थी। ओके, और इनका भी सपना था, इनकी राखों को जो है ऐसे मस्ट बी स्कैटर्ड इन द ओशंस लाइक पीटी नेहरू इन इंडिया, ही ऑल्सो हैड द ड्रीम दैट हिज एसेज मस्ट बी स्कैटर्ड इन गंगा, ओके, एंड द लैंड्स ऑफ इंडिया, सिमिलर व्यूज ही ऑल्सो हैड, ही सेड दैट हिज एसेज मस्ट बी स्कैटर्ड इन टू द ओशंस, ऐसा कुछ इनका भी सपना था। ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर इनका काज था, किसका, डेथ का, कब मरे, 1933 में, हाँ डेट थी 31 जून 31 जनवरी 1933 में इनका डेथ हुई थी ब्रेन ट्यूमर के वजह से। फाइन, डिटेल तो नहीं हम करेंगे अभी, वर्क का शॉर्ट में बता दें, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क में जब बात करेंगे तो जोसलिन जो कि इनका पहला नॉवेल है, इसके बाद आपका सिल्वर बॉक्स पहला ड्रामा है। इम्पोर्टेंट वर्क की बात हम कर रहे हैं अभी, डिटेल नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट वर्क जोसलिन, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, स्ट्राइफ, पांच, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉयल्टीज, डार्क फ्लावर, इन अ ट्रैंक्विलिटी। ओके, इनकी इंपॉर्टेंट वर्क में आते हैं, बाकी अभी हम डील करेंगे, इनकी ट्रायलॉजी है, 3-3 ट्रायलॉजी महान साहब ने दिया है, पूरी ट्रायलॉजी डिस्कस करने में कम से कम एक पीरियड चला जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है माय वीडियो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल,
एंड लाइक शेयर एंड कमेंट. द बेस्ट थिंग इज आप इसको घर पे जाके दोबारा अच्छे से पढ़ें, दोहराएं, नोट बनाएं. बार बार अगर समझ नहीं आता वीडियो कम से कम दो बार देखें, कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा. जैसा मैंने कहा कि चार राइटर यानी जो TGT में प्रिस्क्राइब्ड हैं उनमें से जॉन गॉटवर्दी साहब का भी नाम है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसे भी हैं, जिसे आप अच्छे से करें. बायोग्राफी पर दो चार क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, चाहे वो जॉन मिल्टन साहब हों, चाहे वो विलियम शेक्सपियर हों, चाहे वो हमारे जॉन गॉटवर्दी साहब हों, सब पर जो है क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन मिलते ही हैं. इसलिए डेट वाइज आप इसको याद करें, इसका कोई विकल्प नहीं है. आपको डेट्स तो याद ही करना है. याद करने का मतलब बार बार उसको यूज़ करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा. रहता रटने से भी बात नहीं बनती है ना, आज रटेंगे कल भूलेगा, इससे अच्छा है आप उसको समझें. ओके, हमारे योगेश साहब, भाई साहब जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं मिलियन माइंड्स के, वो कहते हैं लिटरेचर भैया पढ़ो, सॉरी रट्टो मत, लिटरेचर को समझना है. लिटरेचर को समझिए, उसको पी जाइए, आत्मसात कर जाइए, ऐसा उसको समझिए, कभी भूले ना. इसलिए आप इसको समझने का प्रयास करें. बाकी डेट्स को तरीका है, एक दो बार रट लीजिए, उसके बाद बार बार उसका यूज़ करेंगे, आपको कंसेप्ट हो जाएगा, यानी आपको याद हो जाएगा. करत करत अभ्यास जगमत भूत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान. बहुत फेमस कहावत है, इसके आप याद रखें. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. नेवर गिव अप प्रैक्टिस एंड नेवर चूज द शॉर्टकट. ओके, सक्सेस डज नॉट हैव शॉर्टकट रूट, यू हैव ऑलवेज लॉन्ग कट रूट. ऑलवेज फॉलो द हाईवे, नॉट स्मॉल स्ट्रीट, इट विल हेल्प यू सो मच. सो if this video helps you, I will be very thankful to you. I will be very glad if my video helps you. Okay? So until I make and upload other video, you keep on watching my videos and smiling and laughing and enjoying your life. Now it's time to say bye-bye. See you. Take care. Thank you very much for watching this video.